ईरान के सीक्रेट ड्रोन जखीरे की फोटोज सामने आई। खुफिया बेस में मौजूद 200 ड्रोन। रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल होने की आशंका। ईरान की सेना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइलों से लैस करीब 200 ड्रोन की फोटो जारी की है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने तेहरान के पास दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स होने का दावा भी किया। इसमें कहा गया है कि ये ड्रोन्स एक खुफिया बेस में रखे गए हैं। हालांकि बेस की लोकेशन कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस यूक्रेन जंग में किया जा सकता है। यूक्रेन कई बार आरोप लगा चुका है कि रूसी सैनिक जंग में ईरानी हथियारों से हमला कर रहे हैं। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता आ रहा है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। 19 जुलाई 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान पहुंचे थे। ये उनकी पांचवी यात्रा थी। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमनेई से मुलाकात की थी। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने कहा था कि उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को पता चला है कि ईरान कई हजार ड्रोन रूस को बेचना चाहता है। इनमें कई हथियार लगे होंगे जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की लड़ाई में किया जा सकता है।